झाड़ियों मिली अज्ञात महिला की लाश, पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाया मामला। बीते रविवार के दिन मुंबई से सटे नवी मुंबई के कोपर खैराने की हद में आने वाली कंचनगंगा सोसाइटी के पास झाड़ियों मिली अज्ञात महिला की हत्या की गुत्थी 48 घंटे में सुलझा दी गई है। इस हत्या मामले में पुलिस ने वासी सेक्टर 29 की एक सोसाइटी में काम करने वाले गार्ड को गिरफ्तार किया है। इस मामले में आरोपी गार्ड ने महिला द्वारा शादी का दबाव बनाए जाने के कारण हत्या किए जाने की बात कबूल ली है। क्राइम ब्रांच के DCP अमित काले ने बताया कि 12 फरवरी को कंचनगंगा सोसाइटी के पास झाड़ियों में 31 से 35 वर्ष की अज्ञात महिला का शव मिला था। प्रथम जांच में पाया गया कि उस महिला का गला दुपट्टे से घोटकर हत्या की गई है और सबूत मिटाने के लिए उस महिला का शव खाड़ी में फेंकने का शक पुलिस को हुआ था, जिसके बाद इस महिला को कोपर कराने पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस मामले की जांच सेंट्रल क्राइम ब्रांच की टीम कर रही थी। इस टीम ने सबसे पहले उस महिला का पहचान करने के लिए महाराष्ट्र के सभी पुलिस थानों में महिला की जानकारी देकर इकट्ठा शुरू की। इस दौरान पुलिस को पता चला कि इसी तरह की एक महिला लापता होने की शिकायत ट्रामे पुलिस स्टेशन में ही हुई है, जिसके बाद पुलिस की टीम ने मिसिंग महिला से पूछताछ की, जिसके बाद मृत महिला के पति ने बताया कि मृत्यु महिला उनकी पत्नी है, उनका नाम सायदा बाबू हाशमी है एवं वह जूही नगर की हाउसकीपिंग का काम करती थी। इसके बाद पुलिस ने मृत महिला का मोबाइल नंबर लेकर तकनीकी जांच के आधार पर सेक्टर 29 वासी के एक सोसाइटी के गार्ड राजकुमार बाबूराम पाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक महिला का उसके साथ संबंध था, लेकिन जब वो शादी के लिए दबाव बनाने लगी तो उसने महिला को वहाँ मिलने के लिए बुलाया और महिला का गला घोट कर हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय नेशनल, नवी मुंबई। 12 फरवरी 2023 का इंसिडेंट है, अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडी एक लेडी की हमें कोपर खैरणे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में क्रीक एरिया में मिली। इसका पैरेलल इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट नवी मुंबई ने किया। जो डेड बॉडी थी इससे ऐसा पता चल रहा था कि ये कहीं पे मेड का काम करती है। उसी को ध्यान में रखते हुए नवी मुंबई और नवी मुंबई से लगा हुआ मुंबई का ईस्ट रीजन का एरिया, इसमें हमने मिसिंग कंप्लेंट्स को या इसकी इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। तब मिसिंग नंबर 21/2023 ट्रॉम्बे पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक मिसिंग लेडी थी, उससे इसका आइडेंटिफिकेशन मैच हो रहा था डेड बॉडी का। कंप्लेंट उसका पति जो था उससे जब हमने कॉन्टैक्ट किया तब उसने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया, हाशमी बानू सैयद बानू हाशमी, ऐसा वो लेडी का नाम है। जूही नगर के एरिया में एक बिल्डिंग में ये मेड का काम करती थी। वहाँ पे जो वॉचमैन था एक्यूज, जिसका नाम राजकुमार पाल है, इसके साथ उसका लव अफेयर चल रहा था, शादी की डिमांड महिला से हो रही थी आरोपी को, ऐसा आरोपी ने अपने इसमें बताया इंटरोगेशन में। और उसने ये भी कहा कि उसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, उसे 2 बच्चे हैं इलाहाबाद यूपी में, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उससे शादी करें। जब लेडी का मोबाइल नंबर हमें मिला, कुछ नंबर्स हमने सस्पेक्टेड नंबर उससे आइडेंटिफाई किए और उसमें से 2 या 3 नंबर में से एक नंबर पे पुलिस ने जीरोइंग किया और बाकी के टेक्निकल एविडेंसेस के बलबूते पे जो है ये क्राइम इसको डिटेक्ट किया गया। क्राइम ब्रांच सेंट्रल यूनिट ने बड़ा अच्छा काम इसमें किया है और ऑफिस इसमें आरोपी अरेस्ट किया गया है। सर, ये एक बार